दोस्तों आज मैं आपके लिए 2017 में रिलीज हुई एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी लाया हूं, जिसका नाम है जेनांग कोंग। फिल्म के स्टार्ट में हम एक आदमी फर्डी को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। सीनियर डॉक्टर चेकअप के बाद उसकी बेटियों एंजल और बेला को बताता है कि उनके डैड वैसे तो बिल्कुल ठीक हैं, बट उनका मुंह बंद था, आंखें खुली थीं और शरीर टाइट था, जो कि काफी रेयर केस था। डॉक्टर बताता है कि मैंने आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा। जिसके बाद बेला और एंजल फर्डी को देखने के लिए जाती हैं और वहां वरदाना नाम का एक आदमी उन्हें एक बॉक्स देता है। वो बताता है कि मैं उस प्लेन का कैप्टन हूं जिसे फर्डी ने अपने पुराने घर एलस करामत आइलैंड जाने के लिए हायर किया था। और वहां जाने के बाद जब काफी दिनों तक फर्डी की तरफ से कोई खबर नहीं आई, तो वरदाना खुद उसे पिक करने चला गया और फर्डी उसे घर के अंदर इसी हालत में पड़ा मिला था। ये सुनकर बेला वरदाना से पूछती है कि क्या आपने उस जगह कुछ वियर्ड देखा था, मगर वो ये कहकर कुछ भी बताने से मना कर देता है कि फर्डी उसका बेस्ट क्लाइंट है, तो वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे सकता। अगले सीन में हम बेला को कॉलेज में देखते हैं, जहां मेटाफिजिक्स का एक स्टूडेंट ड्रामा प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, जिसमें वो बॉडी और सोल के कनेक्शन की बात कर रहा था। बेला को उसकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी लगी थी, तो वो रामा के पास जाकर अपने इंट्रोडक्शन कराते हुए अपने डैड की कंडीशन के बारे में बताती है, जिसके बाद रामा बेला को अपने साथ घर ले गया था एंड वो उसे कुछ बुक्स दिखाता है जिनके अकॉर्डिंग जिंदा या मरे हुए दोनों लोगों की सोल्स को एक रिचुअल के थ्रू बुलाया जा सकता है, जिसे जैपनीज कल्चर में रोगो सुकमो कहा जाता है। मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स को यूजुअली कोई मीडियम चाहिए होता है, जैसे किसी दूसरे इंसान की बॉडी या कोई टूल, और इसके लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला और इफेक्टिव टूल जेनांग कोंग है। एंड देन रामा स्पिरिट्स को बुलाने और वापस भेजने वाले मंत्र का बताता है। उसके बाद बेला रामा को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ फर्डी को देखकर वो कहता है कि तुम्हारे डैड पोजेस्ड लग रहे हैं, हो सकता है इनकी बॉडी को कोई और स्पिरिट कंट्रोल कर रही हो। तभी एंजल बेला से रामा का पूछती है कि ये डॉक्टर है या फिर शमन, और वो उसे डांटती भी है ऐसी चीजों पर बिलीव करने के लिए। मगर बेला उसकी बातों को इग्नोर करते हुए रामा को उस जगह की फोटोज दिखाती है जहाँ उनके डैड मिले थे। वो लोग ये भी नहीं जानती थी कि वो घर किसका है। एंड देन बेला एंजल से बोलती है कि हमें उस जगह जाकर देखना चाहिए कि वहां हमारे डैड के साथ आखिर हुआ क्या था। लेटर ऑन हम उन सबको वरदाना के साथ ही प्लेन में उस जगह जाता हुआ देखते हैं, और अब की बार उनकी छोटी बहन तासिया भी साथ थी। आइलैंड पर पहुंचकर वरदाना उनसे बोलता है कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। साथ ही वो बताता है कि यहाँ उनके नेटवर्क्स के सिग्नल नहीं है, और फिर इमरजेंसी के लिए उन्हें एक लोकल फोन देता है, जिसके बाद वो सब उस घर में जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तासिया वहाँ एक अम्ब्रेला से खेलने लगी थी, और तभी हमें उसके पास मिरर में कोई साया नजर आता है, जिसे अचानक से तासिया देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मगर कपड़ा हटाने पर उधर सिर्फ एक लैंप था। इतनी देर में बाकी सब भी वहाँ आ चुके थे, और अब वो तासिया को लेकर ऊपर जाते हैं। वहाँ एक रूम में उन्हें फोटो मिलती है, जिसके बारे में एंजल बेला को बताती है कि ये हमारा फैमिली ट्री है। देन वो तासिया को उसी रूम में सुलाकर बाहर इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जहाँ बेला और रामा को जेनांग कोंग पड़ा मिलता है, यानी फर्डी उसको यूज कर रहा था। देन बेला को दीवार पर अपनी मॉम की पेंटिंग नजर आती है, वहाँ पास ही कैंडल्स और एक बुक भी पड़ी थी। रामा बताता है कि ये जेनांग कोंग की चैंटिंग बुक है। दूसरी तरफ एंजल को एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारी कैसेट्स थी, तो एंजल जल्दी से बेला और रामा को वहाँ बुलाती है, जिसके बाद वो लोग उन टेप्स को देखने लगते हैं, जिसमें उन दोनों की अपने पेरेंट्स के साथ चाइल्डहुड मेमोरीज थी। वो सब वीडियो में बहुत खुश नजर आ रहे थे। बेला और एंजल ये देखकर इमोशनल हो जाती हैं, बट देन तासिया के पैदा होने के बाद उनकी मॉम सारा की डेथ हो गई थी। उसके बाद बेला रिचुअल वाली टेप लगाती है, जिसमें फर्डी बताता है कि वो आज रात सारा की स्पिरिट बुलाने वाला है जेनांग कोंग से। एंड देन वो मंत्र पढ़ते हुए रिचुअल करता है, मगर कुछ भी नहीं हुआ था। सो फर्डी ये रिचुअल बहुत सी रातें ट्राई करता रहा। देन फाइनली एक रात उसे सारा की आवाज आती है, और वो अचानक से आकर फर्डी की बैक पर चढ़ जाती है। ये देखकर वो लोग सरप्राइज रह गए थे। देन वो लोग फर्डी को सारा से अपोलोजाइज करता हुआ देखते हैं। उसके बाद फर्डी और भी काफी रातों तक दोबारा ट्राई करता रहा, बट सारा नहीं आई। एंड फिर एक दिन वो आकर फर्डी से रिक्वेस्ट करती है कि वो अब उसे ऐसे बुलाना छोड़ दे। वो काफी डरी हुई थी और फर्डी से बोलती है कि अगर उसने ऐसा फिर से किया तो इवल स्पिरिट मतियानक भी आ जाएगी, जो कि चाइल्ड बर्थ से मरने वाली या प्रेग्नेंट औरतों की स्पिरिट से अटैच होती है। उसके बाद वो लोग अगली कैसेट लगाने लगते हैं, बट उसमें टेप नहीं थी। तभी उन्हें वहाँ एक कैमरा मिलता है जिसमें लास्ट वीडियो टेप थी, और उसे प्ले करने पर वो देखते हैं कि किसी स्पिरिट ने फर्डी पर अटैक कर दिया था। रामा उन्हें बताता है कि इस बार जो स्पिरिट आई है ये तुम्हारी मॉम नहीं बल्कि मतियानक है, जिसने फर्डी को पोजेस कर लिया था, और उसे होश में लाने के लिए हमें स्पिरिट को इसकी दुनिया में वापस भेजना होगा। अगले सीन में हम उन्हें जेनांग कोंग पकड़कर मंत्र पढ़ता हुआ देखते हैं।
सडनली जलांगकोंग में मूवमेंट होती है और रामा स्पिरिट से रिक्वेस्ट करता है कि वो जहां से बिलोंग करती है उधर वापस चली जाए। मीनवाइल तास्या भी जाकर स्टेयर से नीचे आ जाती है। तभी एंजल को भी तास्या का ख्याल आता है और वो उसे देखने जाती है। एंड देन मतियानक अचानक से वहां आकर डरा देती है और फिर वो तास्या पर अटैक करती है, जिसकी चीख सुनकर सब उसकी तरफ भागते हैं। वो उन्हें एक जगह बेहोश मिलती है। एंजल भी आ गई थी। रामा बोलता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, जिसके बाद वो लोग किसी तरह डॉक तक पहुँच गए थे। लेटर ऑन हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं। फर्डी को अभी तक होश नहीं आया था और अब तासिया की कंडीशन भी सेम उसी तरह की हो चुकी थी। बेला एंजल से बोलती है कि वो काफी थक गई होगी, सो घर जाकर रेस्ट कर ले। एंड उसके जाने के बाद रामा भी किसी काम से घर चला गया था। उधर एंजल जाने से पहले अपने डैड से मिलने जाती है, बट तभी अचानक उसके अंदर की स्पिरिट एंजल का हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो बुरी तरह डर गई थी। उधर रामा अपने डैड से मतियानक के बारे में पूछता है, जो बताते हैं कि एक ईवल स्पिरिट है जिसे शमंस अपने पास रखते थे। मतियानक को तीन जगहों पर लाया गया था, सबसे पहले सेंट्रल जावा के एरिया गुनुंगमती में, देन वेस्ट जावा के एरिया आंकरबतू में, एंड देन अलास्करामत आइलैंड में, जहां बेला के पूर्वज मोंग्योन हार्तो ने मतियानक का ख्याल रखने वाले आखिरी शमन को भी मार डाला। साथ ही वो एक्सप्लेन करते हैं कि मतियानक को कभी भी मारा नहीं जा सकता और ये किसी भी टाइम फिर से जन्म ले सकती है। वो बताते हैं कि इसे एक विच ने भी अपने पास रखा था, बट लोगों ने उस विच को और मतियानक दोनों को ही चला दिया, मगर मतियानक खत्म नहीं हुई। मीनवाइल फर्डी अचानक से होश में आ गया था और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, पर नर्सेज उसे पकड़ लेती हैं। दूसरी तरफ एंजल घर पर थी, जहां हम मतियानक को भी देखते हैं। सोते हुए एंजल को नाइटमेयर आता है कि वो जंगल में एक पेड़ से बंधी है और मतियानक आहिस्ता आहिस्ता उसके फेस के पास आ रही है। तभी एंजल की आंख खुल गई थी और अगले सीन में हम उसे वही नाइटमेयर वाला ड्रेस पहना देखते हैं। अचानक से एंजल के पेट में दर्द होने लगता है, जो कि बिल्कुल प्रेग्नेंट लेडीज की तरह बड़ा हुआ था। एंजल बेला को कॉल करके तुरंत घर आने के लिए कहती है, जिसके बाद बेला उसी टाइम रामा के साथ घर के लिए निकलती है। उन्होंने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दी थी। घर पहुंचने पर गार्ड बताता है कि एंजल अभी अभी दो लोगों के साथ यहां से गई है। और तभी बेला को एंजल की कॉल आती है, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, मगर बेला एम्बुलेंस की आवाज सुनकर रिलैक्स हो गई थी कि वो सेफ है और वो उससे अपनी लोकेशन सेंड करने के लिए कहती है। जस्ट देन एम्बुलेंस वहां पहुंचती है, जिसे उन लोगों ने कॉल की थी और उसमें एंजल नहीं थी। ये देखकर वो लोग शॉक रह गए थे कि फिर एंजल किसके साथ है। मीनवाइल एंजल को हम किसी अननोन जगह पर देखते हैं, जहां वो एक बच्चे को जन्म देती है। उधर बेला और रामा एंजल की शेयर की हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं, तो वो एक कब्रिस्तान था। वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं कि तभी अचानक बेला को बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो लोग जल्दी से उस आवाज के पीछे जाते हैं, तो वहां एंजल बच्चे के साथ कब्र में थी। देन अगले सीन में हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां बेला को फर्डी के डॉक्टर का मैसेज आता है और वो लोग उसे मिलने जाते हैं। फर्डी अब बिल्कुल ठीक था, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। बेला और वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो उन्हें एंजल और तासिया का बताती है, तो फर्डी तासिया को देखने जाता है। उसे ऐसे देखकर वो काफी सैड हो गया था। देन घर पहुंचकर वो फर्डी को बताती है कि वो लोग उसके रिचुअल के बारे में जान चुके हैं, मगर वो बोलता है सारा अब भी जिंदा है और यहाँ उनके साथ है। बेला उसे समझाने की कोशिश करती है कि मॉम जा चुकी हैं, बट फर्डी बोलता है कि सारा मुझसे अक्सर मिलती है। उसकी हालत देखकर बेला रोने लगी थी। उसके बाद जब वो रामा हॉस्पिटल जाते हैं, तो बेला को किसी बच्चे की आवाज आती है। वो चेक करने जाती है, तो वहाँ एंजल के पास एक डिमोनिक बच्ची खड़ी थी। देन जब बेला तासिया को देखने जाती है, तो वहाँ मतियानक उसे हॉन्ट करती है। बेला डर के मारे वहां से भागकर नीचे चली जाती है, बट स्टेयर्स पर दोबारा उसे मतियानक और वो लड़की हॉन्ट करती हैं। बेला बुरी तरह डर गई थी। तभी उसका फोन बजता है और वो रामा को बताती है कि मैं इमरजेंसी स्टेयर्स पर हूँ, जिसके बाद रामा वहाँ आ गया था। बेला उसे बताती है कि यहाँ दो दो स्पिरिट्स हैं, जिन्होंने एंजल और तासिया को पजेस किया हुआ है। दूसरी तरफ घर में फर्डी सारा की फोटोज देख रहा होता है कि तभी मतियानक उसे हॉन्ट करती है, जिससे वो बेहोश हो गया था। लेटर ऑन होश में आने पर वो स्टेयर से ऊपर जाने लगता है, तो उसकी बैक सीधी नहीं हो पा रही थी। एंड तभी वो मिरर में देखता है कि मतियानक उसके ऊपर चढ़ी थी, जो कि फिर अचानक गायब हो जाती है। अगले सीन में वो सब रामा के डैड के पास जाते हैं, जो बताता है कि जो मतियानक को बुलाता है वो उससे चिमट जाती है और आगे की सारी जिंदगी हॉन्ट करती रहती है। उससे जान छुड़ाने का तरीका बस यही है कि उसे वापस अपनी दुनिया में भेज दिया जाए, और ये सिर्फ सेम उसी जगह उसी जलांगकोंग से ही किया जा सकता है, जिससे उसको बुलाया गया था। देन फर्डी बताता है कि मतियानक उससे चिमटी है और उसने पोजेस एंजल को किया है, और जिस स्पिरिट को बेला और रामा ने एक्सीडेंटली बुला लिया था, उसने तासिया को पोजेस किया। उसके बाद सब उस घर जाने के लिए निकलते हैं, बट रोड ब्लॉक थी, जिसके बाद वो पैदल चलते हुए एक प्राचीन पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। बारिश भी हो रही थी, सो रामा बोलता है कि हमें कुछ देर रेस्ट करना चाहिए।
तभी हम उस डिमोनिक बच्ची को बेला के पीछे देखते हैं। बेला उसे देखकर डर जाती है। तभी किसी अनसीन फोर्स ने फर्डी को भी उठाकर दूर फेंक दिया था और बाकी लोग घर के अंदर पहुंच जाते हैं। देन बेला और रामा जलांकों पकड़कर रिचुअल स्टार्ट करते हैं। तभी वहां वो बच्ची की स्पिरिट आ जाती है, जिसे रामा पकड़कर टेबल पर बिठा देता है। उसके बाद वो दोनों जंगल में फर्डी को ढूंढने जाते हैं, तो मतियानक रामा को दूर फेंक कर बेला को पोजेस कर लेती है। मगर रामा दोबारा आकर बेला को होश में लाने की कोशिश करता है और फर्डी घर में रिचुअल को कंटिन्यू करता है, तो अचानक से छत का ग्लास टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद वो डिमोनिक लड़की भी गिर गई थी। एंड देन वो वहां से जाते जाते गायब हो जाती है। उसके गायब होते ही बेला ठीक हो गई थी, क्योंकि फर्डी ने दोबारा रिचुअल करके मतियानक को वापस अपनी दुनिया में भेज दिया था, जिसके बाद वो सब वहां से वापस आ जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एंजल ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो डिमोनिक है, यानी रीबर्थ ऑफ मतियानक। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।